वही आजकल जिसे देखो वो इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। इम्यून सिस्टम की जरूरत पहले भी होती थी, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि खुद को स्वस्थ और इम्यून रखा जाए। पर ये करे कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बात जब इम्यूनिटी की करें तो सबसे पहले दिमाग में हरी भरी औषधियां आने लगती हैं या कहीं रंग बिरंगी दवाइयां। पर ऐसे में सबसे पहले जरूरत है सही तरीका पहचानने की, कब खाएं, क्या खाएं और कैसे खाएं। तो चलिए आपको बता दें कुछ चुनिंदा हर्ब्स के बारे में जो इम्यूनिटी बेहतर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन सी से भरपूर खाने का सेवन करें और इन 5 हर्ब्स को अपनी डाइट में जरूर जोड़ लें। पहली है दालचीनी। दालचीनी को आप काढ़ा और चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर रोजाना दालचीनी का सेवन किया जाए तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ कई रोगों से बचाव करने में भी सहायक होती है। दूसरी जड़ी बूटी है तुलसी। तुलसी जो सिर्फ एकमात्र पौधा नहीं बल्कि गुणों की खान है। तुलसी लगभग हर घर में पाई जाती है। तुलसी की पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप तुलसी का सेवन शुरू कर सकते हैं। आप तुलसी का पानी या चाय बनाकर पी सकते हैं। तीसरी औषधि है गिलोय, जिसका नाम यकीनन इस कोरोना काल में आपने कई बार सुना होगा। रोजाना गिलोय को पानी में पकाकर इसके पानी का सेवन किया जा सकता है। गिलोय मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफी कारगर मानी जाती है। गिलोय के तना, पत्तियां और जड़ तीनों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है हल्दी का। हल्दी में कई एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। हल्दी को रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पिया जा सकता है। इसके अलावा आप हल्दी का सेवन शहद और पानी में अच्छी तरह उबालकर भी कर सकते हैं। और अब बारी आती है अदरक की। अदरक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को कमजोर होने से बचाने में मदद करते हैं। आप अदरक का सेवन पानी में उबालकर भी कर सकते हैं। साथ ही अदरक को गुड़ के साथ भी सेवन किया जा सकता है। तो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों का सेवन करना ना भूलें। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।